नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जोबित पीडी में। दोस्तों, नाइन्थ क्लास के लिए अपना साइंस का चैप्टर फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ चल रहा था, जिसकी तीन क्लास हम पहले कर चुके हैं। आज के इसी क्रम की अपनी क्लास नंबर 4 रहेगी। इस क्लास में अपना फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद में अपना सेकेंड चैप्टर है वो स्टार्ट कर लेंगे। अगर दोस्तों आपने पहली वाली क्लास नहीं देखी है तो उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि इस क्लास के कंप्लीट होने के बाद में आप पहले वाली क्लास है वो जरूर देख लेवे। इसके अलावा इस चैनल पे हमने मैथ की ऑनलाइन क्लास है वो भी शुरू कर रखी है, अगर आप वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। लास्ट क्लास में हमने जो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन है उनके बारे में पढ़ रहे थे। इसका जो सेकेंड टॉपिक था दाब परिवर्तन का प्रभाव, हमने यहाँ तक ये पढ़ लिया था। इसके आगे के जो ये क्वेश्चन आंसर है ये भी मैंने आपको बता दिया था सोल्व कर करके। ये सभी क्वेश्चन आंसर मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको बता दिया था। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा वाष्पीकरण। आज हम वाष्पीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि वाष्पीकरण ये होता क्या है, इससे हमें क्या क्या बेनिफिट होती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल से पढ़ेंगे। तो क्लास स्टार्ट करें, इससे पहले क्लास आपको जरूर पसंद आएगी तो आप इसे लाइक और शेयर है वो जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं वाष्पीकरण के बारे में। तो पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा या दाब बदलना आवश्यक है? अभी दोस्तों हमने देखा था कि पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए पहले तो हमने क्या दी थी, ऊष्मा दी थी। ऊष्मा के अकॉर्डिंग हमने पदार्थ की अवस्था बदली थी, ठीक है। फिर हमने क्या दिया था, दाब दिया था। दाब के आधार पर हमने क्या किया था, अवस्था बदली थी। तो क्या यही जरूरी थोड़ी कि आप हमेशा पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए सदैव क्या को ऊष्मा दो या इनका दाब बदलो? क्या आप दैनिक जीवन में आप कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं क्या, जिसमें बिना कवथनाक पे पहुंचे हुए क्या कोई द्रव्य वाष्प अवस्था में बदल जाता है? तो दोस्तों मैंने आपको कवथनांक के बारे में बताया था। कवथनांक क्या होता है कि कोई द्रव्य है, ठीक है, जिस यह ताप पर क्या होता है, यह द्रव्य वाष्प अवस्था में बदलना शुरू हो जाता है, वो क्या कहलाता है, कवथनांक कहलाता है। तो आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल बताना है कि जिसमें द्रव्य है वो बिना मतलब कवथनांक पे पहुंचे पहले ही वाष्प में बदलना शुरू हो जाए, तो ये आपको एग्जाम्पल पूछा गया है। आगे बोला जा रहा है कि जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमें बोला जा रहा है कि गीले कपड़े वो सूख जाते हैं। इन सभी जो अभी हम बात करें ना एग्जाम्पल की, ये धीरे धीरे जल है ये वाष्प हो जाता है, गीले कपड़े वो सूख जाते हैं, इनमें जल है वो जल कहाँ जाता है, ठीक है, इस जल का क्या होता है, तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि हम जानते हैं कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, हमेशा गतिशील होते हैं। मैंने जब भी आपको पदार्थ के गुणधर्म बताए थे तब मैंने आपको बताया था कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, हमेशा गतिशील होते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं, ये गति करते रहते हैं, ठीक है। तो यानी पदार्थ के कण ये गतिशील होते हैं, ये कभी भी रुकते नहीं है। एक निश्चित तापमान पर गैस द्रव्य ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गति ऊर्जा होती है, ठीक है। तो गैस है दोस्तों, गैस के अंदर क्या होते हैं आपके पदार्थ, ये कण है वो दूर दूर होते हैं, तो इनकी गति ऊर्जा क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। द्रव अवस्था में ये गति इन दोनों के मध्य की रहती है, और ठोस अवस्था में कण क्या होते हैं, पास पास में होते हैं, तो इसलिए इनकी क्या होती है, गति ऊर्जा कम होती है। तो यही तो मैं बोला जा रहा है कि ठोस द्रव्य और गैस अवस्था में कणों की विभिन्न मात्रा में गति ऊर्जा होती है, यानी गति ऊर्जा अलग अलग होती है। द्रव्य में स्तर पर स्थित कणों की कुछ अंशों में इतनी गति ऊर्जा होती है कि वे दूसरों कणों के आकर्षण बल से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, और तापमान से कवथनांक से कम तापमान पे ही द्रव्य क्या हो जाता है, वाष्प में परिवर्तित होने लगता है, और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको समझने लायक बात यह है कि पहले तो आपको वाष्पीकरण की डेफिनेशन याद रखनी है कि वाष्पीकरण की डेफिनेशन क्या होती है। तो कवथनांक से भी कम तापमान पर द्रव्य क्या हो जाता है कि वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी वाष्पीकरण होता कैसे, यानी कवथनांक से कम तापमान पर द्रव्य वाष्प कैसे हो जाता है, कि जो द्रव्य की सतह के ऊपर वाले जो कण होते हैं ना, ये द्रव्य है, ठीक है, इसके अंदर आपका द्रव्य भरा हुआ है, इसके जो ऊपर वाली सतह ना, ठीक है, इसके जो कण होते हैं इनकी गतिज ऊर्जा इतनी ज्यादा हो जाती है कि जो इस नीचे जो आकर्षण बल के द्वारा जुड़े हुए हैं ना कण एक दूसरे से, वो कण क्या हो जाता है, आकर्षण बल क्या जाता है, कम हो जाते हैं, आकर्षण बल टूट जाते हैं। तो आकर्षण बल टूटते ऊपर वाले जो आपके कण है ये क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, मुक्त होते ही क्या हो जाएंगे, ये वाष्पीकरण का होना शुरू हो जाएगा। तो ये दोस्तों वाष्पीकरण की डेफिनेशन हो गई। और वाष्पीकरण का क्यों होता है, क्योंकि इनका जो आकर्षण बल है वो आकर्षण बल टूट जाता है, जिस कारण से आपका क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। तो यहाँ तक आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। आगे हम बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है तो दोस्तों वो है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको आपको डिटेल से समझना होगा। बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन जो आपके दैनिक जीवन में आपके जो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हो जो आपके डाउट आते होंगे, तो उनके बारे में भी आपको कंप्लीट डिटेल से इसमें जानकारी मिलेगी, ठीक है।
तो प्रभावित करने वाले कारक से पहले हमें क्रियाकलाप करके देखते हैं। क्रियाकलाप क्या है कि एक आपको परख नली लेनी है, परख नली के अंदर आपको 5 मिलीलीटर जल ले लेना है, इसे आपको खिड़की या पंखे के नीचे रख देना है। ठीक, आपने एक परख नली ले ली, परख नली के अंदर आपको 5 मिलीलीटर जल ले लेना है, इसे आपको पंखे और खिड़की के नीचे रख देना है। इसी प्रकार क्या करना है, फिर आपको एक चीनी मिट्टी का प्याला लेना है, उसके अंदर आपको 5 मिलीमीटर का जो जल है वो ले लेना है, इसे भी आपको क्या करना है, खिड़की और पंखे के नीचे रख देना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, तीसरा और लेना है, 5 मिलीमीटर जल है वो और लेना है। तो वो क्या करना है दोस्तों, चीनी मिट्टी की प्याली में लेना है और इसे आपको क्या करना है, कक्षा की अलमोरी के अंदर आपको रख देना है। फिर आपको कमरे का तापमान ज्ञात करना है कि कमरे का तापमान है कितना, ये आप नोट कर लीजिए। फिर इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगे समय या दिनों को नोट करना है। फिर यानी आपको क्या करना है कि देखना है कि जब पहला जो आपने परख नली के अंदर आपने जल लिया था, ठीक है, फिर आपने एक प्याली के अंदर जल लेकर इन दोनों को क्या किया था, पंखे या अलमोरी के आपने, ठीक है, पंखे के नीचे रखा था या खिड़की के पास रखा था, एक जल आपने अलमोरी में रखा था, तो आपको देखना है कि कौन सा वाष्पीकरण होता है, यानी कि ये परख नली वाला जल है वो कब आपको गायब मिलेगा, ये आपको देख के बताना है। ठीक है, ये जो आपने सीधा प्याली के अंदर जल रखा था खिड़की के पास, ये आपको कितने दिन में गायब हो जाता है, ये आपको नोट कर लेना है। इसी प्रकार जो आपने अलमारी में आपने जल रखा है, ये आपका कितने दिनों में गायब हो जाता है, तो ये आपको नोट करके बताना है, यानी कि वाष्पीकरण इनका कितने दिनों में हो जाता है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि बारिश के दिन भी आपको क्या करना है कि इन क्रियाकलापों को करना है। बारिश के दिन भी आपको ये क्रियाकलाप करके देखने हैं कि वाष्पीकरण कितना कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, वाष्पीकरण पे क्या प्रभाव हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि वाष्पीकरण के निम्नलिखित तथ्यों के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं, यानी कि इनके अंदर तापमान का प्रभाव होता है या सतह का क्षेत्र का प्रभाव होता है, वो वायु की चाल का प्रभाव होता है, इनके ऊपर क्या प्रभाव है वो पड़ता है वाष्पीकरण के बारे में। तो चलिए इन्हीं पे हम चर्चा कर लेते हैं कि जो हमने खिड़की के पास जल रखा था, ठीक है, पंखे के नीचे जल रखा था, परख नली में जल रखा था, इनमें क्या क्या अंतर होता है, ठीक है, कौन सा जल का वाष्पीकरण है वो जल्दी होगा, क्यों जल है वो जल्दी वाष्पीकरण हो जाएगा, चलिए इसी पे हम चर्चा कर लेते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर है ना वो निम्नलिखित के साथ बढ़ती है, यानी कि आगे जो आपको कंडीशन बनाई जाएगी ना उसी के अकॉर्डिंग क्या होती है, आपकी वाष्पीकरण की दर बढ़ती है, यानी जल्दी वाष्पीकरण होगा। ठीक है, तो वो कैसे कैसे होता है, पहले तो है सतह के बढ़ने पर, ठीक है, सतह के बढ़ने पर कैसे है कि मान लीजिए कि पहले आपकी कटोरी है, इसके अंदर आपने इतनी बड़ी कटोरी है, इसमें आपने जल भर रखा है, एक तो इसके अंदर जो वाष्पीकरण होगी, ठीक है, फिर मान लीजिए कि ये आपकी एक इतनी बड़ी कटोरी, इसमें आपने क्या कर रखा है, जल भर रखा है, ये इससे 2 या 3 गुना बड़ा है, इसमें इतना ही जल है जितना ऊपर वाले में उतना इसमें जल है, ठीक है, फिर एक क्या है, इसमें वाष्पीकरण होगा, तो जो नीचे वाला है ना जो बड़ा आपका, इसके अंदर क्या होगा, वाष्पीकरण ज्यादा होगा। ज्यादा क्यों होगा, क्या होगा, सतह बढ़ने पर, यानी इसकी क्या है, सतह क्या है, बड़ी है, ये जल है वो ज्यादा फैला हुआ है, ज्यादा सतह के अंदर है, तो इसका वाष्पीकरण क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो सतह बढ़ने पर वाष्पीकरण ज्यादा होते हैं, तो हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है, सतही क्षेत्र बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए उन्हें क्या करते हैं, फैला देते हैं, जब भी दोस्तों आप कपड़े सुखाते हो ना, उन्हें क्या कर देते हैं, आप फैला देते हैं। फैलाने के पीछे क्या कारण है, ताकि वो कपड़े जल्दी सूख जाए। फैलाने पर कपड़े जल्दी कैसे सूखेंगे, तो क्योंकि दोस्तों इनका क्या हो जाता है, सतही क्षेत्र वो बढ़ जाएगा, जब सतही क्षेत्र बढ़ जाएगा तो कपड़ों के अंदर जो जल होता है, कपड़े जब भी गीले होते हैं उनके अंदर क्या होता है, वो जल रह जाता है। ठीक है, इन्हें क्या करते हैं, हम फैलाकर सुखा देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, सतही क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ठीक है, सतही क्षेत्र बढ़ेगा तो इनकी वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो जल है वो जल्दी आपका उड़ जाएगा और कपड़े आपके जल्दी सूख जाएंगे। तो ये भी आपको याद रखना है कि कपड़ों को हम फैलाकर क्यों सुखाते हैं, ताकि इनका सतही क्षेत्रफल बढ़ जाए और कपड़े वो जल्दी सूख जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं तापमान में वृद्धि, यानी कि अगर हम इनका तापमान बढ़ाते हैं ना, तब भी क्या होगा, आपकी वाष्पीकरण की दर है वो ज्यादा होगी। कैसे, तापमान बढ़ाने पर अधिक कण है वो अधिक है, मतलब इनको गतिज ऊर्जा ज्यादा मिल जाएगी, जिससे ये अधिक गति करते हुए जल्दी वाष्पीकृत हो जाएंगे। ठीक है, पहले तो हमने देख लिया था कि सतह बढ़ाने पर क्या होगा, आपका वाष्पीकरण ज्यादा होगा, फिर हम बात करते हैं कि तापमान बढ़ाने पर भी क्या होगा, आपका वाष्पीकरण ज्यादा होगा। यानी कि तेज, बहुत ज्यादा तेज धूप है, इसके अंदर आपने कपड़े सुखा रखे हैं, तो कपड़े क्या हो जाएंगे, बहुत जल्दी सूख जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कपड़ों के ऊपर जो तापमान है वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, जल के ऊपर क्या हो जाता है, तापमान आपका ज्यादा पड़ता है, तो ज्यादा तापमान के कारण जल है इनकी क्या हो जाती है, कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण ये कण है जल्दी वाष्पीकृत हो जाते हैं और जिससे कपड़े अपने जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि तापमान में वृद्धि करके भी हम क्या कर सकते हैं, वाष्पीकरण की दर है वो बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आर्द्रता में कमी, आर्द्रता क्या होती है, पहले इसकी बात आई कि आर्द्रता क्या होती है, तो दोस्तों आपकी जो वायु के अंदर जो जलवाष्प होती है ना, ठीक है, वायु के अंदर जो जलवाष्प की मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। वायु के अंदर जो
ओस आती है ना दोस्तों, आपकी सर्दियों में आपने ओस देखी होगी, ठीक है। ये ओस आती है ना, ये क्या हो जाती है, इसमें आर्द्रता की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। गर्मियों में क्या होती है, जल वाष्प की मात्रा क्या हो जाती है, बहुत कम होती है, ठीक है। तो आर्द्रता किसे कहती है, ये आप समझ गए होंगे कि जो वायु के अंदर आपके जल वाष्प की मात्रा होती है उसे हम आर्द्रता कहते हैं। अगर अब बात आती है कि आर्द्रता अगर कम है ना, तब हमारे क्या होगा, वाष्पीकरण की दर ज्यादा होगी। अगर आर्द्रता ज्यादा है ना, तो आपकी क्या होगी, वाष्पीकरण की दर कम होगी। जैसे सर्दियों के अंदर आप कपड़े बाहर सुखाते हो, लेकिन आर्द्रता इतनी ज्यादा होती है कि कपड़े है वो सूख नहीं पाते हैं। क्यों नहीं सूख पाते हैं, क्योंकि आर्द्रता ज्यादा होती है। आर्द्रता ज्यादा होने का मीन्स है कि जलवायु के अंदर आपके वायु के अंदर क्या, जल वाष्प बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आर्द्रता की कमी से क्या होता है। तो किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में जल वाष्प होता है, ठीक है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से अधिक होगी तो वाष्पीकरण दर की क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये दोस्तों हमारे आसपास क्या होता है, एक निश्चित मतलब तापमान है, तो इस पे हमारे क्या होगा कि वायु के अंदर जल वाष्प है वो एक निश्चित मात्रा में होगी। लेकिन जब जल वाष्प है वो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, यानी आर्द्रता ज्यादा हो जाएगी, तो इससे क्या होगी, अपने वाष्पीकरण की दर है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि वायु में जल के कण क्या पहले से अधिक है, ठीक है। तो वायु के अंदर और जल के कण वो नहीं मिलेंगे, जिससे अपनी वाष्पीकरण की दर है वो घट जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि वायु की गति में वृद्धि, यानी कि वायु की गति है वो बढ़ने के बाद भी बावजूद भी आपकी क्या होगी कि वाष्पीकरण की दर है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े वो जल्दी सूख जाते हैं। वायु की तेज होने से जल वाष्प के कण है वो वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा है वो घट जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार है दोस्तों वायु की गति बढ़ाकर भी वाष्पीकरण की दर है वो बढ़ा सकते हैं। तो ये दोस्तों वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हो गए, कौन कौन से हो गए, सतह क्षेत्र को बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, कम होने पर वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी। तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ेगी, और अगर तापमान कम होगा तो वाष्पीकरण की दर भी कम होगी, ठीक है। इसी प्रकार अगर आर्द्रता में कमी होगी तब तो वाष्पीकरण जल्दी होगा, अगर आर्द्रता ज्यादा होगी तो वाष्पीकरण की दर कम होगी। वायु की गति बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण की दर है वो ज्यादा हो जाएगी। तो ये दोस्तों वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, तो यानी जब भी वाष्पीकरण होती है, ठीक है, जब भी आपका वाष्पीकरण होता है तो फिर शीतलता यानी ठंड कैसे हो जाती है वहां पे। तो दोस्तों आगे बोला जा रहा है कि खुले हुए बर्तन में रखे द्रव्य में निरंतर क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। आपने मान लीजिए कि कोई एक मटका रख रखा है इस प्रकार, तो ये खुला मटका है, बाहर आपने इसको रख रखा है, तो इसके अंदर जो पानी है ना, इसका धीरे धीरे क्या होगा, वाष्पीकरण होता रहेगा, और एक टाइम आपका ऐसा आएगा कि एक मटका आपको पूरा खाली हुए मिलेगा। क्यों मिलेगा, इसके अंदर क्या होता रहता है, वाष्पीकरण है वो चलता रहता है, ठीक है। आगे बोला जा रहा है कि खुले हुए बर्तन में रखे द्रव्य का निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है, ये मैंने आपको बता दिया। वाष्पीकरण के दौरान क्या होता है कि कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव्य के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका द्रव्य था, ठीक है, मान लीजिए इसके अंदर आपका द्रव्य था, तो ये द्रव्य के कण थे। तो जैसे ये द्रव्य के कण वाष्पीकरण होंगे, तो यानी इन्हें कुछ ना कुछ तो तापमान की तो आवश्यकता होगी, कुछ ना कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो ये कण क्या होते हैं कि अपने आसपास की ऊर्जा लेकर उड़ जाती हैं, ठीक है, आसपास की ऊर्जा लेकर उड़ जाती हैं। जो शेष रह गए तो उन्हें भी तो ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो वो क्या करेंगे, और अपने आसपास की ऊर्जा है वो ले आएंगे, ठीक है। तो जिसके कारण इसके आजू बाजू क्या हो जाता है, ठंड का एहसास होता है, यानी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो ये कण क्या हो जाते हैं कि ऊर्जा का अवशोषण करेंगे, तो इस तरह ऊर्जा से अवशोषण होने के कारण ये क्या हो जाती है, शीतलता यहाँ पे होती है, ठीक है। यहाँ पे ठंडक किस कारण हो जाती है, क्योंकि ये कण है वो अपने आसपास की ऊर्जा वो अवशोषित कर लेती हैं, आसपास की ऊर्जा जो अवशोषित होने के बाद में यहाँ पे क्या होगी, ठंडकता होगी, यानी शीतलता आपको देखने को मिलेगी। आगे बात कर लेते हैं कि जब एसीटोन क्या होता है, जो आप नेल पॉलिश लगाते हैं ना, गर्ल्स जो नेल पॉलिश का यूज करती हैं, उन्हें उठाने के लिए एक द्रव्य होता है जिसका नाम होता है एसीटोन, ठीक है। इसे जब भी आप हथेली पे गिराती है ना, तो इसका क्या हो जाता है, तो हथेली पे क्या होगा, तो दोस्तों जैसे आप इसको हथेली पर गिराएंगे ना, आपको बहुत ज्यादा ठंडक महसूस होगी। क्यों आपको ठंडक महसूस होगी, जैसे आपने एसीटोन आपने हथेली पे गिराया, तो यह क्या करेगा कि आसपास की ऊर्जा को प्राप्त कर लेगा, ठीक है। मान लीजिए कि हथेली है, हथेली पे जैसे आपने एसीटोन गिराया, ठीक है, तो एसीटोन क्या करेगा कि अपने आसपास की जो ऊर्जा है ना, इसी ऊर्जा को लेकर ये वाष्पीकृत हो जाएगा। जैसे ये वाष्पीकृत होगा तो पीछे इसमें क्या रह जाएगी, ठंडक रह जाएगी, यानी शीतलता तो देखने को इसमें मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपने छतों पे या खुले स्थान पे क्या करते हैं, जल का छिड़काव करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म स्तर को क्या कर देती है, ठंडा कर देती है, यानी शीतल बनाती है। तो क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के उदाहरण भी दे सकते हैं क्या। आगे तो दोस्तों पूछा जा रहा है कि क्या आप वाष्पीकरण के कारण
शीतल होने के और भी उदाहरण आप दे सकते हो क्या? ये तो दोस्तों कुछ उदाहरण हो गई कि बहुत ज़्यादा तेज धूप है, उसके बाद में लोग क्या करते हैं कि खुले स्थान है वहाँ पे क्या करते हैं, छत या खुले स्थान पर जल का छिड़काव करते हैं। क्यों करते हैं? कि जल के जो वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा है ना, वो गर्म सतह को क्या करती थी, ठंडा बना देती है, इसलिए हम क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, भैया इनके पीछे क्या कारण होता है कि हम सूती वस्त्र ही पहनते हैं? तो गर्मियों में क्या होता है कि शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, ठीक है, जिससे हमें शीतलता मिलती है यानी हमें ठंडक मिलती है। इसके पीछे क्या कारण है उन्हीं पे हम चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान है द्रव्य की सतह के कण हमारे आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। तो वाष्पीकरण होते हैं ना, तो द्रव्य के जो कण है जिनका वाष्पीकरण हो रहा है तो ये क्या करते हैं, आसपास से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रस्तुत उष्मा के बराबर उसमें ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, ठीक है, तो जिससे हमारा शरीर क्या हो जाता है, शीतल हो जाता है। चूंकि सूते वस्त्र होते हैं ना, उनमें जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है, जिसके कारण हमें गर्मियों में सूती वस्त्र है वो पहनने चाहिए, क्योंकि ये ठंडे रहते हैं। किस कारण रहते हैं, ये कारण मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि बर्फीले जल से भरे गिलास को भारी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है, यानी कि ये गिलास है, आपने फ्रिज से कोई गिलास या बोतल निकाल ली, तो निकालने के बाद जैसे इसको आप बाहर रख देंगे ना, तो आप क्या करेंगे, इसकी जो बारिश है ना, यहाँ पे आपको जल की काफ़ी सारे बूंदें एकत्रित हुई मिलेगी। तो इसके पीछे क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है, चलिए इन्हें पर हम चर्चा कर लेते हैं। किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, यदि जल्दी ही बर्तन की बारिश सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगती है तो वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा, ठीक है, ठंडे पानी में संपर्क में आकर क्या हो जाती है, कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाती है, हमें जल की बूंदों के रूप में क्या होती है, नजर आती है। कैसे नजर आती है कि जो हमने इसको गिलास या जो बोतल यहाँ पे रखी है, ठीक है, ये क्या है, बहुत ज़्यादा आपकी ठंडी है, तो ये बहुत ज़्यादा ठंडी है तो इसमें जो वायु है ना, वायु की जलवाष्प इसके संपर्क में आती है, ठंडे पानी के संपर्क में आती है, क्या हो जाती है, इनकी जो ऊर्जा है वो कम हो जाएगी, ठीक है, जिससे क्या होगी, आपकी द्रव अवस्था में बदल जाएगी और ये हमें बूंदों के रूप में दिखाई देने लगेगी, ठीक है। तो ये तो दोस्तों अपना चैप्टर फर्स्ट था। इसके बाद में दोस्तों आपको कुछ यहाँ पे और दिया गया है जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, मैं भी आपको वो भी जल्दी से बता देता हूँ। वो क्या है कि दोस्तों पदार्थ की तीन अवस्थाओं के बारे में हमने डिटेल से मैंने आपको बताया, कौन कौन सी अवस्था थी, मैंने आपको ठोस के बारे में बताया, द्रव्य अवस्था के बारे में बताया और गैस अवस्था के बारे में भी आपको अच्छी तरह से मैंने आपको बताया था। लेकिन दोस्तों इसके अलावा कुछ दो अवस्थाएं और मानी जाती है, वो कौन कौन सी है, तो इसमें पहली होती है आपकी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होगी, ठीक है, फिर आपकी प्लाज्मा होती है, दो अवस्था और मानी जाती है। मुख्यतः दोस्तों हम तीन अवस्था मानते हैं, ठीक है, लेकिन अब वैज्ञानिक क्या करते हैं कि पदार्थ की पांच अवस्थाएं मानने लगे हैं। पांच अवस्था कौन कौन सी, आप ये देख सकते हैं, ऊपर आपको दिया गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हो गया, ठोस द्रव्य गैस हो गया और एक आपकी क्या होगी, प्लाज्मा होगी। ठोस द्रव्य गैस के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, बाकी ये दोनों अवस्था क्या है इनके बारे में भी हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम प्लाज्मा की बात कर लेते हैं कि प्लाज्मा अवस्था ये होती क्या है। तो दोस्तों द्रव्य अवस्था में कण है अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक क्या होते हैं, उत्तेजित होते हैं, ठीक है। इस अवस्था में क्या होते हैं कि कण है वो अधिक ऊर्जा और अधिक उत्तेजित होते हैं, ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं, ठीक है। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियोन बल्ब में क्या होती है, प्लाज्मा होती है। नियोन बल्ब के अंदर नियोन गैस है और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या अन्य कोई गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर गैस क्या हो जाती है, आयनीकृत हो जाती है यानी आवेशित हो जाती है। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला क्या हो जाता है, प्लाज्मा तैयार होता है। गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। किसके कारण होती है, सूर्य और तारों में चमक प्लाज्मा के कारण होती है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में क्या होता है, प्लाज्मा बनता है। तो दोस्तों प्लाज्मा में क्या होता है कि इस अवस्था में कण है वो अधिक ऊर्जा और अधिक क्या होते हैं, उत्तेजित होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये दोस्तों बात होगी प्लाज्मा अवस्था के बारे में। फिर हम बात कर लेते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में। तो ठीक है, तो दोस्तों सन 1920 में भारतीय भौतिकी वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्थाओं के लिए कुछ गणना की थी। इन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक नई पदार्थ की भविष्यवाणी की थी, जिसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट यानी BEC कहा गया। लेकिन वर्ष 2001 में अमेरिका के एरिक ए कॉर्नल, ठीक है, अल्फ गेम केटरले कोल ई वेमेन को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में क्या दिया गया था दोस्तों, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह अवस्था होती क्या, इस अवस्था में ऐसा क्या होता है, तो दोस्तों सामान्य वायु के घनत्व के 1/1000 भाग
और जितने कम घनत्व वाले गैस में बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर इसे क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को क्या किया जाता है कि सामान्य वायु है ना उसके घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करके इसे तैयार किया जाता है। तो ये दोस्तों आपकी दो और जो अवस्थाएं थी इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल होगी। इसके अलावा दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर जो मैंने आपको अभी बताया था उसी से रिलेटेड आप आसानी से कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट में जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस जो टॉपिक के हमने क्या क्या सीखा, महत्वपूर्ण जो अपने फैक्ट क्या क्या, इनके बारे में एक बार हम थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं ताकि आपको पूरा पाठ का सारांश है वो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमने देखा था कि द्रव्य यानी जो पदार्थ होते हैं वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, ये हमने अच्छे तरह से चर्चा की कर ली थी। ठीक है, फिर है कि हमारे आसपास द्रव्य तीन अवस्था में विद्यमान होती हैं, कौन कौन से, ठोस, द्रव्य और गैस अवस्था में। ठीक है, ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, गैस के कणों में आकर्षण बल कम होता है और द्रव्य अवस्था के कणों में क्या होता है, इन दोनों के बीच का होता है। आकर्षण बल की बात करें तो ठोस में सबसे ज्यादा होता है यानी इसमें कण सबसे ज्यादा पास पास में होते हैं, गैस में सबसे कम होता है तो यानी इसमें कण सबसे दूर दूर होते हैं और द्रव्य अवस्था में इनके दोनों के बीच की अवस्था पाई जाती है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि ठोस के कणों में ठोसों को निहित करने वाले कणों के लिए बीच का जो रिक्त स्थान होता है वो गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, गैसों के लिए यह अधिकतम होती है किंतु द्रव्य के लिए इनकी क्या होती है, बीच की होती है। नेक्स्ट है कि ठोस के लिए उनके कणों की व्यवस्था अधिक क्रमित होती है और द्रव्य में कणों के प्रति एक दूसरे पे फिसलती और सकलित हो सकती है। ठीक है, गैस में कोई भी क्रम नहीं होता है, कण अनियमित रूप से होते हैं। यानी कि दोस्तों जो ये आपका ठोस है इसके अंदर क्या होता है कि कण एकदम निश्चित है, वो निश्चित क्रम के अनुसार होते हैं। ठीक है, गैस अवस्था में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि पदार्थ की अवस्था अंतः परिवर्तित होती है, यानी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कैसे कैसे कर सकते हैं, दाब और ताप के अकॉर्डिंग हम पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट है कि उद्रापार्तन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव्य में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैस अवस्था में आ जाते हैं। नेक्स्ट है कि निक्षेपण क्रम में गैस या पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं, इनके बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी। आगे बोला जा रहा है कि क्वथनांक की समिष्ट परिघटना जिसमें समिष्टि के कण द्रव्य अवस्था से क्या हो जाते हैं, वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। क्वथनांक के बारे में दोस्तों बोला जा रहा है, मैंने आपको बता दिया था क्वथनांक क्या होता है कि इसमें आपका द्रव्य है वो क्या हो जाता है, सीधा वाष्प में बदल जाता है। ठीक है, वाष्पीकरण होता है इनका। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना, यानी जितना ज्यादा सतह होगा उतना ज्यादा क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण करके इनके बीच का जो आकर्षण बल है उसे पार कर लेते हैं जिससे द्रव्य के वाष्प की अवस्था परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट हमें बोला जा रहा है कि वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है, कौन कौन सी है, सतही क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, जिसका वायुमंडल के प्रति परित्याग होता है, फिर आपका तापमान हो गया, आर्द्रता, वायु की गति, इनसे दोस्तों क्या होता है आपका वाष्पीकरण है वो प्रभावित होता है। वाष्पीकरण से क्या होती है, ठंडक उत्पन्न होती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जहाँ पे वाष्पीकरण होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको ठंडक की महसूस होगी। फिर बोला जा रहा है कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा जो 1 kg द्रव्य को वायुमंडलीय दाब और द्रव्य के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने हेतु प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि संघनन की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है, ठीक है, ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 kg ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संघनन बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग में की जाती है। तो ये दोस्तों उसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए, लेकिन इसके आगे आपको क्या दिया गया, कुछ राशियां दी गई है और उन्हें क्या किया गया, उनके मात्रकों में ज्ञात होने चाहिए, यानी मात्रकों में पता होने चाहिए, वो कौन कौन सी है दोस्तों, उन्हीं के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं तापमान की, यानी तापमान है, तापमान का ऐसा मात्र क्या होता है, केल्विन होता है, मैंने आपको बताया। ठीक है, फिर बात आती है लंबाई की, लंबाई का ऐसे ही मात्र क्या होता है दोस्तों, यहाँ सारे आपको सभी ऐसे यानी इंटरनेशनल मानक दिए गए हैं। ठीक है, लंबाई का मात्र क्या होता है, ऐसे ही मात्र क्या होता है, मीटर होता है, ऐसे ही की बात की जाएगी तो मीटर होता है, इसके अलावा सेंटीमीटर ये भी होते हैं लेकिन ऐसे क्या होता है, मीटर होते हैं। बाद में आता है सनिति, इसका दोस्तों क्या होता है आपका किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, इसको प्रतीक क्या होता है, केजी होता है, मीटर का प्रतीक इसको एम से लिखते हैं, केल्विन को हम क्या लिखते हैं, के से लिखते हैं। फिर आता है भार, भार का क्या होता है आपका न्यूटन होता है, न्यूटन को हम क्या लिखते हैं, एन से डिनोट करते हैं। फिर आता है आपका आयतन, आयतन का क्या होता है आपका घन मीटर होता है, यानी एम क्यूब इसे लिखते हैं। फिर आपका घनत्व, घनत्व कितना होता है, किलोग्राम प्रति घन मीटर, यानी केजी मीटर की पावर, ये मार्क क्या होगी आपकी -3 हो जाएगी। फिर आपका दाब, दाब का मात्र क्या होता है पास्कल, जिसे हम पी ए से डिनोट करते हैं। तो ये दोस्तों आपके क्या होगी, कुछ भौतिक जो राशियां हैं उनके आपको मात्रक दिए गए हैं, ऐसे मात्रक उनका प्रतीक दिया गया, ये आपको याद है वो रहनी चाहिए। ठीक है, ये दोस्तों इस प्रकार जो अपना चैप्टर फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गया।
अगर आपका इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी आपका डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट है वो जरूर कर सकते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद रहेगी कि मेरे द्वारा जो भी आपको बताया गया, समझाया गया, आपको कंप्लीट समझ में आया होगा, किसी भी प्रकार का आपका डाउट है वो नहीं रहा होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट है वो जरूर कर देना। फिर मुलाकात करेंगे इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जो बीत पीढ़ी। जय हिंद, जय भारत।